हेलो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं यार। आज बात करते हैं द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू वैंकूवर, एना, ऑल निप्पॉन एयरवेज। इस फ्लाइट की खास बात या यूनिक बात यह है कि इसमें एयरपोर्ट चेंज करना पड़ता है टोक्यो में। नाउ मैं आपसे शेयर करूँगा एयरपोर्ट चेंज करने का प्रोसीजर, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स इन जापान, वहाँ पे आप बीच में कौन कौन सी जगहें घूम सकते हैं, मेरी फेवरेट चीज़ स्ट्रीट कार्टिंग, और ये सब करने में कितना खर्चा हुआ। चलो लेट्स स्टार्ट। सो द फ्लाइट इज एना, ऑल निप्पॉन एयरवेज फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो हनीडा एयरपोर्ट एंड देन टोक्यो नरीडा एयरपोर्ट टू वैंकूवर, और इसके बीच में है 12 घंटे का स्टे इन टोक्यो। पहले बात करते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की। मैंने कॉल करा था जापानीज एम्बेसी टू आस्क इफ ट्रांजिट वीज़ा इज रिक्वायर्ड फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। उन्होंने कहा येस इट इज़ रिक्वायर्ड, तो मैंने जापानीज एम्बेसी इन वैंकूवर में जाके वीज़ा लगवाया। उसकी कॉस्ट थी $1 एंड द प्रोसीजर वॉज सिंपल। आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल आउट करना है एंड यू हैव टू टेक 2 फोटोज विद यू। अब वाइल इन इमिग्रेशन इन टोक्यो, मैंने वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर से भी पूछा कि इज़ इट पॉसिबल टू गेट ऑन अराइवल वीज़ा। ही सेड येस इट इज़ पॉसिबल, बट इफ़ यू हैव अ वीज़ा बिफोर इट इंश्योर्स नो हैसल एंड इट इज़ ग्रेटर। अब ये करने के बाद लगेज कलेक्ट करके आफ्टर पासिंग थ्रू द कस्टम्स मैं आ गया एयरपोर्ट से बाहर। अब एयरपोर्ट से बाहर आके अगर तो आपको डायरेक्टली दूसरे एयरपोर्ट पर जाना है जो कि है नरीटा एयरपोर्ट, द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू टेक अ बस। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है चैट GPT, सो ये बैक्ड बाय AI है। नाउ दिस कॉस्ट 3200 येन, और आप जैसे ही बाहर निकलोगे सामने ही आपको काउंटर दिख जाएगा विच सेज बस टिकट्स। इट इज़ ईजी टू गेट अ टिकट एंड हर एक घंटे में बस चलती है। लेकिन मैंने टोक्यो घूमना था और मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करा जो कि है ट्रेन। अब ट्रेन में जाने के लिए पास रिक्वायर्ड होता है जो कि है इधर पासमो और सुइका। मैंने इसमें पासमो सेलेक्ट करा, उसका डिपॉजिट है 500 येन एंड बाकी रिचार्ज करवा लो, अपने जहाँ भी जाना है उसके अकॉर्डिंग टिकट्स वेरी करती हैं एंड दिस इज़ ऑल रिफंडेबल। डिपॉजिट जो है 500, उसमें से दे टेक 220 येन एज अ प्रोसेसिंग फी। तो अगर आपका एंड में जो भी बच जाएगा यू गेट 280 येन आउट ऑफ दैट 500 डिपॉजिट, और जितना भी आपका बैलेंस बचा हुआ है वो आप बाद में ले सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये कार्ड्स लेने के लिए जो मशीन लगी हुई हैं वो सिर्फ कैश एक्सेप्ट करती हैं। जापान में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ सिर्फ कैश एक्सेप्ट होता है, तो इट इज़ अ गुड आइडिया टू ऑलवेज कीप कैश इन हैंड। नाउ ट्रेन स्केड्यूल और कहाँ जाना है ये सब देखने के लिए द बेस्ट प्लेस टू लुक इज़ गूगल मैप्स। गूगल मैप्स पे बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। ट्रेन स्टेशंस पे भी साइनेज वगैरह अच्छी है, इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट इट इज़ ईजी टू गो अराउंड। जैपनीज पीपल आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प यू। मेरे को एक या दो लोगों ने खुद ही आके हेल्प कर दी थी। वहाँ से ट्रेन लेके मैं गया वर्ल्ड्स बिजिएस्ट क्रॉसिंग जो कि है शिबुया क्रॉसिंग, और वहाँ पे मैंने देखा अचुको स्टैचू। अब मेरे पास थे 4 बैग्स, इसमें से 2 बड़े बैग्स मैंने स्टोरेज लॉकर में रख दिए। यह जापान सबवे में या जो ट्रेन स्टेशन हैं इन सब में स्टोरेज लॉकर्स बने हुए हैं जिनका प्राइस वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द साइज। मैंने अपने 2 बड़े बैग्स रखे विच कॉस्टेड मी अराउंड 1200 येन। नाउ दिस कॉस्ट इज फॉर 24 आवर्स। शिबुया क्रॉसिंग से वॉक करके मैं गया मेजी श्राइन। ये वॉक थी अराउंड 25 to 30 मिनट्स की। मेजी श्राइन इज अ टेम्पल और ये बहुत ही काम और अच्छी जगह थी। आई वुड रिकमेंड इफ यू विजिट टोक्यो डू गो टू मेजी श्राइन। अब नेक्स्ट वॉक करके जाना था टोक्यो मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग, बट अराउंड 1 से 1.5 घंटे में मेरी बुकिंग थी। नेक्स्ट आई केम बैक टू शिबुया। शिबुया आके दिस वॉज द पीक टाइम इन द मार्केट, वहाँ घूमा बहुत ही मज़ेदार यार।
And then I went on to the most awaited part of the trip, that is street karting. Street karting, मैं आपको इतना recommend करूँगा कि do once in your life and do it soon. Because मेरे को तो chance लगता है it gets banned or becomes illegal, क्योंकि it was dangerous driving on the streets of Tokyo along with normal cars. अब ये मेरा 2 घंटे का karting tour था जिसमें कि कई tourist spot cover करे, जैसे कि Tokyo Sky Tree, Asakusa और Tokyo Parliament. टोक्यो में स्ट्रीट कार्टिंग करने के लिए इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस मैंडेटरी है. मैं ये ड्राइवर्स लाइसेंस कनाडा से बनवा के गया था. इन वैंकूवर इस ड्राइवर्स लाइसेंस की कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली $40. अब ये स्ट्रीट कार्टिंग ख़त्म होते ही मेरी फ्लाइट में रह गए थे 3.5 घंटे और एयरपोर्ट का रास्ता था 1.5 घंटे का. अब एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने यूज़ करी जापान्स फास्टेस्ट ट्रेन जो कि है स्काईलाइनर एक्सप्रेस. नाउ इसमें जो मैंने आपको कार्ड्स के बारे में बताया था पासमो या सुई का, वो यूज़ नहीं होते. इसकी टिकट सेपरेटली लेनी पड़ती है. उसकी कॉस्ट है अराउंड 3200 येन. एंड आई रीच्ड जस्ट इन टाइम, सिर्फ 5 मिनट पहले अपने बोर्डिंग टाइम से मैं अपने गेट पे पहुंचा. नाउ एयरपोर्ट जाके वंस यू गेट आउट ऑफ द ट्रेन, वहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं. इन मशीन में जो मैंने पासमो कार्ड लिया था अपना, वो डाला, सिलेक्टेड द ऑप्शन फॉर रिफंड और मेरे को जो भी मेरा बैलेंस अमाउंट था वो इन द फॉर्म ऑफ कैश वापस मिल गया. टोटल कॉस्ट इस ट्रिप की रही 17,000 येन, जिसका ब्रेकअप है ये प्लस द इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस कॉस्ट. सो गाइस, दिस वाज माय टोक्यो ट्रिप. आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हो. सी यू नेक्स्ट टाइम.